भागलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां हम आपको बता दें कि सावन के चौथे सोमवार को एसएम कॉलेज सीरी घाट पर अचानक भीड़ बेकाबू होती नजर आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां रिकॉर्डिंग में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि श्रद्धालु बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिस कारण वहां पर मौके पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। और करीब करीब जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 50 से अधिक महिलाएं और बच्चे डूबते डूबते बच गए हैं। पहले आप पूरे वीडियो को देख लीजिए। कि किस प्रकार से जो बैरिकेटिंग बनी थी वहां पर अचानक से जल स्तर बढ़ गया और श्रद्धालु जो भी महिलाएं और बच्चे थे वो वहां पर डूबते डूबते बच गए। 30 मिनट तक भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। आप तस्वीरों में एक बार फिर से देख लीजिए, मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम और आपदा जो प्रबंधक होते हैं, 12 से ज्यादा कर्मियों ने तुरंत गंगा नदी में छलांग लगाई और डूब रहे महिलाओं और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, बच्चे थे, उनको बचाना शुरू कर दिया। तकरीबन सभी लोगों को बचाया जा चुका है। अभी भी लोगों को गंगा नदी के गोद से बाहर निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से भागलपुर में सावन के चौथे सोमवार को एसएम कॉलेज सीरी घाट पर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेटिंग तोड़कर श्रद्धालु जो वहां पर आए हुए थे वो गंगा नदी में डूबने लगे और 30 मिनट तक लगातार ऐसी ही भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अभी तक किसी के जान माल गंवाने की बात सामने नहीं आई है। एसडीआरएफ की टीम और आपदा जितनी भी वहां पर टीम मौजूद थी, उन्होंने तुरंत गंगा नदी में छलांग लगा दी और डूब रहे बच्चों और साथ ही जितने भी वहां पर महिलाएं थी उनको बचाने का कार्य शुरू कर दिया था।